good morning everyone aray, 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 aray. good morning all of you all right everybody is here welcome welcome to an academy neat last topic of chapter cell cycle cell division meiosis lecture number two लेक्चर नंबर थ्री ओके सो वी आर कम्प्लीटिंग चैप्टर टूडे हमारे सेशन होते हैं बेटा सुबह साढ़े ग्यारह बजे ऑनडमी नीट एप्सोलूटली फ्री दिस इज मेधावी बैच आप बोर्ड पे देख सकते हो पांचों टीचर्स जो आपके साथ सुबह से शाम तक लगे हुए हैं ताकि आपका सिलेबस ऑन टाइम कम्प्लीट हो सके फ्री में गुड क्वालिटी एजुकेशन आपको मिल सके राइट सो वी आर गिविंग आर बेस्ट मेक श्योर दैट यू आर कंसिस्टेंट एंड यू जॉइन ईच एंड एवरी क्लास इतना रहे आपकी तरफ से हमारे लिए ठीक है जो बच्चे नए हैं बिल्कुल बेटा आई एम कोमल यादव एंड वी आर एट द थर्ड क्लास ऑफ सेल साइकिल दो सेशन नहीं देखे तो प्लीज डू गो एंड रेफर ऑलरेडी अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे ही मिल जाएगी ठीक है चलिए बेचल स्टार्टेड प्लस पे आज सेशन होगा पांच बजे अन अकेडमी का पेड सब्सक्रिप्शन है ये स्पेशल क्लासेस फॉर स्पेशल क्लास इज फ्री जिसमें आज सेल सेल डिवीजन क्योंकि कंप्लीट हो जाएगा, कितने बजे बजे है ये क्लास? This class is at 9 PM. ये क्लास? क्लास. रात को होगी sure कि तब तक आप तीनों रिकॉर्डिंग्स देख लें रिवाइज कर लें और फिर उसके बाद क्वेश्चंस के लिए आ सके ताकि लाइव क्विज़ में आप अपने आप को जज कर सको कि वेर यू स्टैंड ओके चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड दिस इज वेयर यू फाइंड द लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको लिंक मिल जाएगा कम्युनिटी uh, पोस्ट में भी ठीक है यू विल फाइंड इट इन द कम्युनिटी पोस्ट एंड ऑल्सो जस्ट गिव मी मे आई विल जस्ट गेट इट पिंड चलिए अभी आ जाएगा थोड़ी देर में इधर ही जहाँ आपका चैट सेक्शन है वहीं पे आ जाएगा ठीक है चलो कहीं इधर उधर नहीं जाना एंड इफ यू लाइक माय टीचिंग एंड यू वांट टू गेट इन कॉन्टेक्ट विद मी एज वेल कि मैं मेंटरशिप थोड़ा बहुत आपको गाइड करते चलू साथ के साथ कि हाउ टू गो फॉरवर्ड एंड वॉट टू डू अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे जाते ही कुछ थोड़ा घबराहट भी होती है क्योंकि इतनी सारी चीजें आ जाती हैं कि समझने में थोड़ा टाइम लगता है सो दैट ऑल्सो आई विल हेल्प यू आउट विद यूज कॉमन लाइफ कोड यू विल गेट योर टेन ऑफ एंड कुछ ऑफर्स भी चल रहे हैं अभी तो उसको भी आप देख सकते हो कल की क्लास में हमने कर लिया था माइटोसिस माइटोसिस में हमने पढ़े चार फेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड मेटाफेलोफेज डीज थ्री डीज फोर आर पार्ट ऑफ कैरियोकाइनेसिस ठीक है हमारे पास इसके बाद आ जाता है साइटोकाइनेसिस राइट साइटोकाइनेसिस तो हमारे पास दो मेन पॉइंट से आ जाते हैं ठीक ये कंप्लीशन ऑलरेडी हो चुका है विल मूव टू मीओसिस

कंप्लीट भी हो जाएगा जी रेडी बढ़िया स्टार्टिंग द सेशन राइट नाउ मियोसिस मियोसिस में हम एक डिप्लॉइड सेल से एक डिप्लॉइड सेल से चार हैपेलॉइड सेल्स बनवाते हैं वी फॉर्म फोर हैपेलॉइड सेल्स सो so वन डिप्लॉइड सेल एंडरगो सच ए डिविजन दोर है ठीक है यह एक बारी में नहीं होगा दिस डिज नॉट हैपन वो अब हमें क्या करना पड़ेगा इट इज अ डबल डिविजन दिस इज अ डबल डिविजन जिसको हम डुअल डिविजन भी बोलते हैं ठीक है डबल डिविजन और डूअल डिविजन मतलब दो डिविजन होंगे ठीक कभी भी आपको कोई मियोसिस बोलेगा तो मियोसिस का मतलब ही ये है कि मियोसिस वन एंड मियोसिस टू टुगेदर। कोई मैं आपको मियोसिस बोल रहा है तो आप उससे ये नहीं पूछोगे कि मियोसिस कौन सा वाला कौन सा वाला मियोसिस नहीं होता है मियोसिस में दो डिविजन होंगे मियोसिस वन एंड मियोसिस टू ठीक है किसी ने भी बोला मैम एक मीसिस हुआ है एक मियोस हुआ है मतलब ये दोनों डिविजन हुए होंगे ठीक है अब ये डुअल डिविजन जो हमारे पास हो रहा है इसका पर्पज क्या है कि मेरे को जो आखिरी में बने हुए ये चार डॉटर सेल्स है ना दीज फोर डॉटर सेल्स माइटोसिस में दो बनते थे आइडेंटिकल बनते थे दीज डॉटर सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल ये सिमिलर होंगे सिमिलर होंगे मतलब ह्यूमन है ह्यूमन का ही सेल है ठीक है एनिमल है कोई तो उसी का सेल है प्लांट है तो प्लांट का ही सेल है वो तो सिमिलैरिटी इस लेवल पे है लेकिन जेनेटिक लेवल पे देर आर न्यू कॉम्बिनेशन फॉर्मड नए कॉम्बिनेशन बनाने का काम करता है मियोसिस सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस एंड दैट इज इट फॉर्म्स फोर नॉन आइडेंटिकल हैपलोइड नॉन आइडेंटिकल हेपलॉइड सेल्स ठीक है पहला पॉइंट दूसरा point. Brings genetic variation और जेनेटिक वेरिएशन में द वेरिएशन दैट इट इज ब्रिंगिंग कुछ नया नहीं बना रहा है नया कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहा है बस ठीक है सो इट इज हेल्पिंग इट बाय री कॉम्बिनेशन कितना सिंपल वर्ड है ऑलरेडी कोई कॉम्बिनेशन है उसको शफल करना है और आपको एक नया कॉम्बिनेशन देना है जैसे फॉर एग्जाम्पल एक डेक ऑफ कार्ड है ताश के पत्ते अब ताश के पत्तों को मैंने आपको बोला दस पत्ते निकाल के दो तो आपने जो दस पत्ते मुझे पकड़ाए वो एक अलग कॉम्बिनेशन था फिर मैंने वो वापस रख दिए फिर बोला शफल करो और दस पत्ते दोबारा दो तो अलग कॉम्बिनेशन आया फिर वापस उसी डेक में रख दिया फिर शफल किया फिर दस पत्थरेशन पॉइंट so yeah, तो नया कॉम्बिनेशन बनाने का काम है इसका नई चीज बनाने का काम नहीं है जो मेरे पास कार्ड हैं, जितने नंबर ऑफ कार्ड हैं, उतने ही रहेंगे चेंज नहीं होंगे चेंज कराना है तो म्यूटेशन कराना पड़ेगा जेनेटिक मटेरियल में चेंज लाना पड़ेगा दैट वी डोंट वांट टू ब्रिंग हमें सिर्फ ट्विस्ट मारना चलो आ गया ऊपर पिन कर दिया है स्पेशल क्लास का लिंक ऊपर स्पेशल क्लास का लिंक आ गया है ठीक है उसी पे आपको क्लिक करना है और आज की क्लास में आना है अब प्लीज बी रेडी आई एम गोइंग टू ड्रॉ द होल ओवरव्यू ऑफ मेयोस ऑन वन सिंगल पेज ठीक है मैं ये जगह खाली छोड़ रही हूं अगर हमें बाद में कुछ लिखना होगा तो जस्ट थोड़ा बहुत यहां पे एड ऑन हो जाएगा अदरवाइज गोइंग विध मियोस क्या होगा पूरे मियोसिस के दौरान चलो पहले आया था जीवन फेस राइट right? जीवन फेज द सेल इज टू एन टू सी इट इज समथिंग लाइक दिस देन एस फेज टू एन फोर सी हो जाता है बिकॉज डीएनए का रेप्लीकेशन हो जाएगा सो नाउ आई हैव हर एक क्रोमोजोम की कंडीशन ऐसी दो क्रोमोजोम विद टू क्रोमैटेड इच राइट नेक्स्ट जी टू फेज टू 4c, फोर सी दिस इज नोन एज इंटर फेज इसको क्या बोला हमने इंटरफेज ठीक बढ़िया अब आ जाओ यहां पे भी सेम कंडीशन है ना बेटा इच क्रोमोजोम इज ऑफ टू क्रोमेटिड्स And there are two chromosomes two and four C. But now we move to meiosis one. Meiosis 1. Yeah, Iga Prophase 1. Metaphase 1. Anaphase one and telophase one. Leading to the final point, Akri cytokinesis one. ठीक है साइटोकाइनेसिस वन होने के बाद क्या हुआ होगा कि यहाँ से हम आए इधर तक हमारे दो अलग सेल बन गए दिस वॉज इन अ सिंगल सेल दिस वॉज इन अ सिंगल सेल दिस वॉज इन अ सिंगल सेल एक ही न्यूक्लियस में थी ये कहानी अब दो अलग सेल हो गए हैं दो अलग न्यूक्लिया आ गए मेरे पास और एच एंड एवरी क्रोमोजोम इज इन दिस कंडीशन हर क्रोमोजोम इस कंडीशन में है अब आप इधर देखो यहाँ पे दो, दो क्रोमोजोम्स थे

ठीक है कुछ बच्चे होंगे जिनको शायद ये एन और सी का मतलब समझ नहीं आ रहा होगा बेटा सेल साइकिल लेक्चर वन परसों कराया था मैंने साढ़े ग्यारह बजे ज्यादा पीछे नहीं होगा सेशन आप अभी जाके देख सकते हो मेधावी बैच की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा यू जस्ट हैव टू गो एंड क्लिक ऑन दैट लास्ट के आधे घंटे में मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ प्लॉइडी समझाया है उस सेशन को देखना नहीं तो एन और सी वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा उसी में कंफ्यूजन रहेगी बाकी सब सही रहेगा अगर बाई चांस अभी तक वो सेशन नहीं देखा है और एन और सी में अभी भी प्रॉब्लम है प्लॉडी और अमाउंट ऑफ डीएनए में अभी भी प्रॉब्लम है तो आप इस पोर्शन को थोड़ा सा हटा के चलोगे दिमाग से पूरा प्रोसेस समझो और क्लास खत्म होने के बाद एन और सी वाला पॉइंट देखना और दोबारा से इस सेशन को फटाफट से टू एक्स पे देख लेना राइट ओके शाबाश आ जाओ बेटा आगे याद है मैंने पिछले दोनों सेशन में बार बार आपको यही बोला है कि एक क्रोमोजोम एक क्रोमैटेड का होना चाहिए एक क्रोमोजोम एक क्रोमैटेड का होना चाहिए एक क्रोमोजोम एक क्रोमैटेड का होना चाहिए नॉर्मल कंडीशन शुड बी ऑफ एल क्रोमैटेड नॉट ऑफ टू क्रोमैटेड ये तो दोनों दो दो क्रोमैटेड के हैं मतलब अभी भी डिविजन सही नहीं है मेरे पास ज्यादा जेनेटिक मटीरियल पड़ा है आई स्टिल है डिड सो आई विल गो फॉर मियोस टू अब तो डिवाइड कर गया ना बच्चा हो गया सारे आधे हो गए तो मुझे दोबारा साइटोप्लाजम बढ़ाना पड़ेगा आई हैोइंग फॉर सो दी सेल्स गो फॉर जीवन अगेन प्लॉइडी देखो लेकिन मेरा सब सेम रहेगा. एक क्रोमोसोम दो का ऑलरेडी बैठा है एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता था एस फेज में हिस्टोन डुप्लीकेशन होता था एस फेज में सेंट्रियल डुप्लीकेशन होता था वो चीज यहां पर नहीं होगी in this s phase there is no dna replication and there is no histone duplication kyun bhai jab dna nahi bana rahi main dobara to main uska packaging material kyun banau तो histone नहीं बना DNA क्यों नहीं बनाया already मेरा chromosome दो chromatid का बैठा है दो आ रहा चार हाथ दुर्गा माता बन जाए क्रोमोसोम तुम्हारा नहीं चाहिए इतने हाथ ठीक है इसको ही तो नॉर्मलाइज कराने के लिए डिवीजन करा रही थी अगर इसी में दोबारा डीएनए रेप्लीकेशन करा दूंगी तो चार हो जाएंगे चार तो इस ब्लंडर कैन नॉट हैपन ठीक है तो एस फेज में नो डीएनए रेप्लीकेशन नो हिस्टोन डुप्लीकेशन बट यस सेंट्रियोल डुप्लीकेशन क्यों क्योंकि सेल तो मुझे अभी भी डिवाइड करना होगा और सेल डिवाइड करना है तो मुझे फिर से स्पिंडल चाहिएंगे मुझे फिर से दो पोल्स चाहिएंगे मुझे फिर से वो मोमेंट चाहिएगा तो सेंट्रल डुप्लीकेशन विल टेक दैट इज़ गोइंग टू हैपन जीवन फेज एस जी टू इस फेज में जहां पर आपके एस फेज में डीएनए एन नहीं हुई है दैट इज नोन एज इंटरकाइनेसिस इस इंटरफेज को हम कहते हैं इंटर बिटवीन डिविजन मियोसिस वन और अब मियोसिस टू शुरू होने के बीच में जो मियोसिस आएगा इंटरफेज आएगा दैट इज नोन एज इंटरकाइनसिस एंड इंटरकाइनसिस के एस फेज के अंदर ना तो डीएनएप्लीकेशन होता है ना ही हिस्टोन डुप्लीकेशन होता है सिर्फ सेंट्रल डुप्लीकेशन होगा क्लियर क्लियर राइट right? बढ़िया अब आते हैं हम अगला पॉइंट मियोसिस टू। आप देख रहे क्यों सिर्फ मियोसिस वन नहीं हो सकता क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है आई कैन नॉट लीव अ सेल इन दिस कंडीशन तो इसके लिए मुझे सेकेंड डिविजन कराना ही पड़ेगा इट इज नॉट ऑप्शनल मियोसिस वन होके रुक नहीं सकते हम मियोसिस वन हुआ तो टू होगा ही होगा दिस कैन नॉट बी लेफ्ट लाइक दिस सो मियोसिस टू के बाद में आपके पास क्या आएगा प्रोफेज टू प्रोफेज टू मेटाफेज टू एनाफेज टू एंटीलोफेज टू ठीक है लीडिंग टू लास्ट साइटोकाइनसिस टू साइटोकाइनसिस टू की वजह से क्या होगा यह एक था यहां पर दूसरा भी होगा ठीक है यहां से हम इधर आ गए यू गेट एन सी सिंगल शू विद वन लेस ऑल सेल्स आर एन सी एन सी एन सी दैट इज अमल कंडीशन वन क्रोमोसोम लेकिन मस्ट इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं टू एन से स्टार्ट हुई थी एन पे आ गई डिप्लॉइड से हैप्लोइड हो गए तो मियोसिस वन इज नोन एज रिडक्शनल डिविजन रिडक्शनल डिविजन वेर एज मियोसिस टू मियोसिस टू प्लॉइड से शुरू होता है और हैप्लॉइड पर आता है एन से एन पे आया अमाउंट ऑफ डीएनए की बात नहीं कर रही हो इसकी बात कर रहे हैं Ploidy की बात कर रहे हैं दिस इज इक्वेशनल डिविजन ठीक है यहां तक लिख लिया बेटा सबने चलिए बढ़िया मूविंग अहेड स्टार्टिंग विद ये पार्ट तो आप जानते ही हो इंटरफेस का पार्ट है जी वन एस जी टू हो चुका है वी आर स्टार्टिंग विद प्रोफेज प्रोफेज थोड़ा प्रोसेस है ठीक है और जो खिचड़ी है ना वो इधर ही है जो मियोसिस और माइटोसिस का मेन डिफरेंस वो यहाँ से शुरू होता है ठीक है इससे पहले कहानी बिल्कुल बढ़िया एकदम सेम स्टार्टिंग विद प्रोफेज वन मियोसिसन माइटोसिस सॉरी मियोसिस वन को मियोसिस वन प्रोफेज वन प्रोफेज वन प्रोफेज वन हैज फाइव डिफरेंट स्टेजेस ठीक है फिर से वही बोलूंगी पीछे अगर जगह बची है तो छोड़ दो लीव इट उतने का उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड जस्ट टेक योर पेज द सेकेंड नेक्स्ट पेज इन अ लैंडस्केप ठीक है ऐसे लो और उसमें एक टेबल बना लो पांच स्टेजेस होंगे पहला वाला थोड़ा कॉलम छोटा बनेगा आखिरी कॉलम छोटा बनेगा बीच के तीन कॉलम्स थोड़े बड़े बनेंगे ठीक है लिखते चलना लाइन बाद में खींच लेना पहले मेरे साथ लिखते चलो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट डाउन इन द सेम पैटर्न साथ ही चलेंगे बाद में आप लोग लिख सकते हो अलग अलग लिखना हो तो अलग अलग भी लिख सकते हो कि नहीं मैम टेबल के फॉर्म में नहीं चाहिए वी आर नॉट गोइंग टू गो इन दैट फॉर्म एंड आई डोंट वॉन्ट इट खिचड़ी हो जाता है हर बार तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इट्स ओके यू कैन जस्ट गो फॉर योर एज यू लाइक ठीक है प्रोफेज पहला फेज प्रोफेज का फर्स्ट लेप्टोटीन लेप्टोटीन फर्स्ट फेज ऑफ प्रोफेसा ध्यान रखना सेल साइकिल डायरेक्शन मैं उल्टा नहीं जा सकती पीछे नहीं जा सकते मारे जा सकते हैं आई कैन किल बट आई विल नॉट गो बैक ठीक है आई विल नॉट गो बैक पीछे वाला स्टेप नहीं ले सकते हम ऐसे ऐसे ही जा सकते हैं ऐसे ही चल सकते हैं उल्टा नहीं जा सकते दिस टर्न इज नॉट अलाउड दो लेप्टोट द फर्स्ट स्टेज परफेक्ट

कि अगर मैं स्टार्टिंग में हूं फेज के तो अभी ये चीजें शुरू हुई होंगी आई हैव अ वेरी लॉन्ग प्रो फेज ये चारों चीजें पूरे में फैल गई हैं ठीक है इफ आई जस्ट पुट डाउन द हेडिंग फॉर ईच एंड एवरी वन लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकाइटीन डिप्लोटीन एंड द फिफ्थ इन द लास्ट डाइकाइनसिस तो एक तरीके से हुआ क्या है पूरा प्रोफेस बस फैल गया पाँच स्टेज में. जो आउट इन तो प्रोफेस से लेके जब आप डायकाइनेसिस तक जा रहे हो लेफ्टोटीन से डायकाइनेसिस तक, तक जा रहे हो तो प्रोफेस में क्या हो रहा होगा Look at prophase. You're starting with leptotene. Membrane, nuclear membrane, nucleus, cell organelles start disappearing, 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 disappeared. Gaya. Chromatin material starts condensing, 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 condensed. khatam akritak. centrioles moving to the opposite poles start moving to the opposite poles. Moving, moving. ंग रिच्ड तो कहानी यहां से शुरू होती है और खत्म वहां तक होगी तो पूरे में फैल गई है नॉर्मल प्रोफेस के वो चार पॉइंट्स जो हमने माइटोसिस में लिखे थे वो यहां भी हो रहे हैं सो नॉट गोइंग टू मैं इट अगेन एंड अगेन क्योंकि दे आर ऑब्वियस पॉइंट क्या चीज अलग है वॉट इज डिफरेंट दैट इज टेकिंग प्लेस हेयर एंड वॉट इज न्यू दैट इज टेकिंग प्लेस हेयर मेकिंग इट अ डिफरेंट फेस कंपेयर टू माइटोसिस ठीक है चलिए बेटा आगे लिखना शुरू करें रेडी चलो शाबाश हो जाए शुरू बेबलेड ठीक चल लेफ्टोटीन लेफ्टोटीन में, में मेरे पास अभी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है सेंट्रियोल मेरे प्यारे यहां पे रह बैठे हैं डुप्लीकेट होके मूव करना शुरू करे होंगे ठीक है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेरी प्रोमनेंटली प्रेजेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बढ़िया से बैठा है इधर ठीक है अंदर क्रोमाटिन गया तो कहीं कहीं पे ज्यादा कंडेंस, कहीं कहीं पे थोड़ा कंडेंस्ड, तो आपको बीडेड स्ट्रक्चर दिखेगा किसी किसी पॉइंट पे मोटे मोटे कंडेंसेशन हो गया है किसी किसी पॉइंट पे भी रहता है दिस मोटा कंडेंसेशन इज नोन एज क्रोमोमियर क्रोमोमियर ठीक है लेप्टोटीन में आपको माइक्रोस्कोप के अंडर एक बीडेड स्ट्रक्चर दिखाई देगा क्रोमोसोम्स आपको लंपी दिखाई देंगे ठीक ये कंडीशन है दूसरी कंडीशन क्या है कुछ सेल्स में इन सम सेल्स नॉट ऑल सेल्स इन सम सेल्स ये मेरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है दिस इज माय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द क्रोमोजोम्स काइंड ऑफ टेक कॉर्नर्स हमारे ऐसे आ जाते हैं अलग अलग क्रोमोज को दिखाने के लिए मैं आपको अलग अलग दिखा रही हूं लाइक दिस kind of like ऐसा सा अरेंजमेंट ले जाते हैं Corners पे बैठ जाएंगे जाके हा? ऐसे कॉर्नर कॉर्नर पकड़ लेता है कॉर्नर कॉर्नर पकड़ लेता है दिस स्टेज अपियर लाइक अ बुके जब फूल का गुलदस्ता होता है ना ऐसा सा अपेयर होने लगेगा दैट इज वाई इन सेल्स लेप्टोटीन इज ऑल्सो नोन एज बुके स्टेज इनिशियली प्रोसेस जस्ट स्टार्ट हुआ है मियोसिस में कंडेंसेशन, मियोसिस में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन शुरू हुआ है प्रोफेज वन के पहले फेज में लेप्टोटीन कहानी शुरू हुई है अगर पीछे देखोगे फ्लोइडी चल रही है टू एंड फोर सी टू एन फोर सी यहां पे भी टू एन फोर सी सो फ्लोडी टू एन फोर सी ही रहेगी थ्रू आउट प्रोफेज ठीक प्रोफेजीन आई स्टिल हैव माई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेंट्रियोल थोड़ा मूव कर गए होंगे पोल्स की तरफ बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज स्टिल इंटैक्ट यहां पर मेरा एक क्रोमोजोम अपना पैर ढूंढ रहा है वन ऑफ माई क्रोमोजोम इज सर्चिंग फॉर इट्स पेयर क्रोमोजोम नंबर वन क्रोमोजोम नंबर वन को ढूंढ रहा है, टू टू को ढूंढ रहा है थ्री थ्री को ढूंढ रहा है फोर फोर को ढूंढ रहा है, सब अपने अपने वाले पैर को ढूंढ रहे हैं वट इज दिस एक क्रोमोसोम मेरी बॉडी में मम्मी से आया था एक पापा से आया था जब मैं जाइगॉट थी सेल डिवाइड करते गए करते करते गए गए नाउ मियोसिस टेकिंग प्लेस इन माय बॉडी इन माय सेल्स दैट आर प्रोड्यूसिंग गेमीट्स है ना जैसे आपकी बॉडी में अगर कोई सेल जो जो भी सेल्स गेमीट बना रहे होंगे उनमें होगा ये प्रोसेस बाकी बॉडी फुल ऑन आपकी सिर्फ माइटोसिस करती है देर आर स्पेसिफिक सेल्स दैट आर गोइंग टू फॉर्म गेमी दे आर गोइंग फॉर मियोसिस ठीक है तो ये मियोसिस करने वाले सेल्स आपकी बॉडी में ट्वेंटी थ्री पेयर ऑफ हैं सिक्स नंबर टोटल है और तेईस पेयर है मतलब हर एक टाइप का दो दो क्रोमोजोम है तभी आप डिप्लॉइड हो सो क्रोमोजोम टू टू को ढूंढा थ्री थ्री को ढूंढा फोर फोर को ढूंढा ये क्या हो रहा है आर लुकिंग फॉर देर होमोलोगस पेयर दिस इज सपोज क्रोमोजोम नंबर वन जिसकी कॉपी बन चुकी थी ये दूसरा क्रोमोजोम क्रोमोजोम नंबर वन की दूसरी कॉपी इधर दीज एज होमोलोगस क्रोमोज़ोम्स क्या बोलते हैं हम इनको होमोलोगस क्रोमोजोम्स ठीक है इसको चाहे तो आप इधर लिखोगे बेटा ध्यान से देखो यहां लिखोगे वो थोड़ी सी जगह छुड़वाई थी ना होमोलोगस क्रोमोजोम्स क्या होते हैं

जीन का पोजिशनिंग सेम है जैसे फॉर एग्जाम्पल चाहे आपने कुछ भी ना पढ़ा हो लेकिन दसवीं क्लास में मैंडल अंकल का नाम जरूर सुना होगा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पाइसम पे पी हा कैपिटल टी फॉर टॉल एंड स्मॉल टी फॉर डुअ दो जीन्स पढ़े थे उन्होंने दो एलील्स पढ़े थे किसी को याद है क्विकली कमेंट सेक्शन ड मैटर आप किस बोर्ड में हो स्टेट बोर्ड नेशनल बोर्ड जिस भी बोर्ड में हो आप आपने मेंडल अंकल का नाम सुना होगा आपने सुना होगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्टैंड फॉर टॉल हाइट स्मॉल टी स्टैंड फॉर डू ऑफ हाइट रिमेंबर दैट गुड पापा से मान लो पेड़ के पापा और पेड़ की मम्मी पेड़ के पापा से आया कैपिटल टी यहां पे थी उसकी जीन

एग्जैक्ट पॉइंट पे उसको वहीं पे पकड़े हुए हम ठीक है अब इसको जहां हुआ है ना सुनो बेटा कैपिटल कैपिटल टी स्मॉल टी वाला एक पे ये दोनों किसी एक ही क्रोमोजोम पे मिलेंगे हर पेड़ में जैसे फॉर एग्जाम्पल अपना लेते हैं एग्जाम्पल इंसानों के एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आता है हमारा ब्लड ग्रुप का जीन क्रोमोसोम नंबर नाइन पे है नंबर नाइन पे जो जीन है ना ब्लड ग्रुप का वो आप में मुझ में हमारे पापा मम्मी दादा दादी नाना नानी आने वाले दस बच्चे ठीक है सब में वो क्रोमोसोम नंबर नाइन पे उसी जगह पे मिलेगा बिकॉज एड्रेस ऑफ द जीन देवर चेंजेस अगर चेंज हुआ तो म्यूटेशन आ जाएगी गड़बड़ हो जाएगा और म्यूटेशन से एक्समेन नहीं बनते म्यूटेशन से डिसऑर्डर होता है या कैंसर होता है ठीक है सो वॉट एग्जैक्टली इज है की डी एन एन एप्लीकेशन के टाइम पे मैंने एक्ज इट तो कॉपी बनवाई दिस इज होमोलोगस पेयर पेयर ऑफ दैट दैट आई हैव एग्जैक्ट सेम पोजिशन पे सेंट्रोमेयर मिलेगा सेम उसका लेंथ होगा सेम उसका शेप होगा सेम टाइप ऑफ जीन्स उस पर लगे होंगे टाइप ऑफ जीन्स मतलब हाइट का ही तो जीन है टॉल हो चाहे टू हो अब तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए है कि बी है कि ओ है कि ए बी है जीन मेरा वही है ठीक है एड्रेस है वो जीन का वो वहीं मिलेगा सो सच पेयर्स हाउ मेनी सच यू हैव आपकी बॉडी में फोर्टी सिक्स ट्वेंटी थ्री पेयर हो गए सात अब मस्त बात ये ये दोनों दिख रहे हैं आपको नंबर कर रही हूं मैं आई एम गोइंग टू नंबर द क्रोमैटि वन टू थ्री एंड फोर एक दो तीन चार वन एंड टू थ्री एंड फोर आर नोन एज सिस्टर क्रोमैट्स अब सिस्टर क्रोमैट्स बेटा आर आइडेंटिकल ये मैंने आपको एक जीन दिखाई है कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी है ना सपोज सपोज कि यहां पे नीचे वाले पार्ट पे आम पे इसके पास एक कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए जीन है मान लेते हैं हाइपोथेटिकल और भी बहुत होंगी बट मैं दो ही जीन दिखा रही हूँ तो हम बना नहीं सकते जैसे हमारा जो हमारा जो हमारा वन है उसपे दो हजार तीन सौ जीन्स लगभग है नियरली टू थाउजेंड जीन्स वी हैव मोर देन टू थाउजेंड जीन्स तो टू थाउजेंड जीन्स थोड़ी बना पाएंगे हम हमने एक टेंटेटिव एग्जाम्पल ले लिया कि टी और ए जीन है ठीक क्रोमोज नंबर क्रोमोसोम वन एंड टू क्रोमैटेड थ्री एंड फोर क्रोमैटेड आर नोन एज सिस्टर क्रोमैटेड क्योंकि एग्जैक्ट सेम है देखो कैपिटल टी कैपिटल है तो ये भी कैपिटल टी कैपिटल है ये स्मॉल टी स्मॉल है तो ये भी स्मॉल टी स्मॉल है क्योंकि हमने एग्जैक्ट तो कॉपी बनाई थी लेकिन वन एंड थ्री वन एंड फोर टू एंड थ्री एंड टू एंड फोर दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स Non sister chromatids are not identical. Identical are not identical. They are similar. नॉट आइडेंटिकल क्यों अगर आप देखोगे वन को और थ्री को देखो वन पे कैपिटल टी है वन वन थ्री पे है. पे है, पे स्मॉल स्मॉल टी टी है Difference है है कैपिटल डिफरेंस है डिफरेंस है है ना वेरिएशन है थोड़ा सा बट तो ठीक है चलेगा अपने को वही चाहिए राइट सो टेकिंग दिस स्ट्रक्चर टू जाइगोटीन देखो Zygoteen में ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे क्रोमोजोम नंबर वन वन को ढूंढा था टू टू को थ्री थ्री को फोर फोर को फाइव फाइव को सब ढूंढे एक दूसरे को और चिपक गए साथ कैसे चिपके साथ विद द हेल्प ऑफ अ साइनाप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स एक प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बनेगा बीच में इनके दिस कॉम्प्लेक्स इज साइनाप्टो कॉम्प्लेक्स इट इज अ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स प्रोटीनेशन इन नेचर और इसके बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज साइनापिस Synapsis. ठीक कहां हो रहा है ये काम जाइोटीन में हो रहा है Zygoteen में क्रोमोजोम को साथ में चिपकाया जाएगा अभी कंडेंसेशन पूरा नहीं हुआ है धीरे धीरे काम वो भी चल रहा है धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं लेकिन ये पैर भी कर रहे हैं साथ साथ जैसे जिप से होते जा रहे हैं जुप 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 जिप लगा हमने ठीक है सो दी स्टार्ट पेयरिंग टूगेदर अब ये पैर हो गया ना मेरे दो क्रोमोजोम साथ चिपके चिपके चलेंगे पैर बन गया हाथ पकड़ लिया अब ये साथ साथ ही चल रहे जहां जा रहे हैं

ये पूरा दूसरा क्रोमैटेड टू थ्री एंड फोर तो बाइवेलेंट का दूसरा नाम पड़ जाता है टेट्राड क्रोमोसोम के रिस्पेक्ट में इट्स अ बायल्ट वेर एज विद रिस्पेक्ट टू क्रोमैटिड इट इज अ टेट्रावेलेंट टेट्राड ठीक है तो बायवेलेंट और टेट्राड बायवेलेंट कितने बनेंगे सोच के देखो अगर हर कोई पैर बना ले तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम से आधे हो गए जैसे फॉर एग्जांपल 46 क्रोमोसोम्स में कितने बायवेलेंट्स बनेंगे दो 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 ट्वेंटी थ्री 10 क्रोमोसोम्स विल हैव हाउ मेनी बायवेलेंट्स 5 20 क्रोमोजोम्स विल हैव हाउ मेनी बायवेलेंट्स टेन 16 chromosomes will have how many bivalents? 8. 18 chromosomes will have how many bivalents? 9. So, bivalents are always half the number of chromosomes. इसलिए डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम का नंबर हमेशा इवन होगा चंगा। शाबाश। अब ये काम मेरा हुआ में। bivalent बने बनेटीन में विजिबल नेक्स्ट स्टेज। जो जिस स्टेज में होगा उसके अगले में दिखाई देगा तो जायगोटीन में बाइवेलेंट का फॉर्मेशन होता है बट बायोलेंट बिकम विजिबल Hmm. Visible in stitch. तो अगर आपसे कोई पूछ ले भाई लेप्टोटीन है कैसे बताओ लेप्टोटीन मैम बीडेड स्ट्रक्चर दिखता है सिंपल कंडेंसेशन अभी शुरू ही हुआ है सब कुछ नॉर्मली है थ्रेड जैसा ही है सब कुछ लेकिन थोड़ा बीडेड दिखेगा कहीं कहीं पे, ठीक जाइगोटीन बताओ क्या हुआ साइनाप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा साइनाप्सिस होगा पेयरिंग ऑफ क्रोमोजोम्स विल टेक प्लेस कौन से क्रोमोजोम होमोलोगस क्रोमोजोम्स विल टेक प्लेस दिस होमोलोग क्रोमोजोम्स बाइंड टूगेदर बाई अप्रोटिनेशियस कॉम्प्लेक्स नोन एज साइनाप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस साइनाप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज नोन एज साइनाप्सिसक्स प्लेस इन जायोटीन इज बायर इन विजिबल इन जायोटीन नो इट इज विजिबल इन पैकेटीन It is visible in packaging. ठीक है न्यूक्लियर मेम्रेन धीरे 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 होने लगा डिजेनरेट काफी हद तक हो गया है तो यहां जो काम हो रहा है ना वो मैं आपको इधर दिखाने वाली हूँ बाहर क्योंकि बहुत सारा काम हो रहा है नाउट गोइंग टू ड्रॉइड ह्योर बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज स्टिल देयर थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड सा मिलेगा आपको हियर व्हाट इज हैपनिंग इज देयर इज री रिकॉम्बिनेज एंजाइम अब आएगा मजा रिकॉम्बिनेज एंजाइम दिस रिकॉम्बिनेज एंजाइम इज अ ट्रिपल एंजाइम ये तीन एंजाइम जैसा काम करता है इसमें तीन एंजाइम कॉम्बिनेशन में बैठे कहां आते हैं ये I'm going to draw this white chromosome, बस मैं एक को this, एक. को कर ठीक है? है है. पहला. दूसरा वाला वही बेटा, ही है, मैं उसको थोड़ा डार्कर शेड कर रही हूँ so exactly देखो बच्चा, सामल कॉम्प्लेक्स बन गया था ठीक है आपको माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं दिखेगा खाली प्रोटीन माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर नहीं दिखता है बायवेलेंस हाँ वो चिपके हुए दोनों क्रोमोसोम साथ दिख जाएंगे क्यों क्योंकि आप क्रोमा मटेरियल को स्टेन कर सकते हो और वो लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर काफी अच्छा दिख जाता है बट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाया ना यहाँ पे जो इनको जोड़े हुए हैं साथ दिस विल स्टार्ट डेवलपिंग नोड्यूल्स इसमें आएंगे कुछ Nodules. मैं दो ही दिखा रही हूँ मल्टीपल जगह पे आते हैं रेड कलर का डॉट दिख रहा है दीज आर नोन एज रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल्स रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल्स आर सीन किधर बनाई चल बेटा रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स में यह एंजाइम है एक तरीके से स्टेज बनाया साइनाप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कैसा बना एक स्टेज बनाया गया है एक टेबल बनाई गई है कि इसमें बैठ के काम कर लेना ठीक है इसमें बैठ के काम कर लेना दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्लेस यू जस्ट नीड टू वर्क योर ठीक है भाई वो सर उसने बताया काम कहाँ कहाँ होगा जहां जहां पर रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल आ रहे हैं क्या काम करेंगे पहला पॉइंट इसी पॉइंट पे मारेंगे हम कट गोइंग टू फॉर्म अ कट हम क्रोमोजोम को इधर से उड़ाने वाले हैं गोइंग टू कट द क्रोमोजोम फ्रॉम योर यह काम कौन करेगा दिस वर्क इज डन एंजाइम एंडो न्यूक्लियस बोला कट उड़ा दे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के पास हो रहा है ये काम कट कर दिया सेकेंड अन मस्त काम करेगा साइन आप दिखा नहीं रही हूं अब क्योंकि तो बहुत खिचड़ी हो जाएगा वरना इधर इधर खींच लिया इसका हाथ इसका छोटा टुकड़ा यही रह गया उधर खींच लिया उसका ठीक है दूसरे वाले के साथ भी ऐसा ही हुआ इसका एक हाथ इधर है एक इदर, हाथ इधर है वन आर्म इज योअर इसका एक आर्म इधर खींच लिया गया और इसका बेचारा छोटा टुकड़ा यही रह गया ठीक है कट लग गया था ऊपर वाला आम लेफ्ट खींच लिया लेफ्ट वाला आम राइट खींच लिया ओवरलैप करा दिया है ठीक थर्ड लाइगेज लाइगेज ज्वाइंस देम टुगेदर इसके नीचे सॉलिड वाला और सॉलिड वाले के नीचे हॉलो वाला लाइगेज ने जोड़ दिया लाइगेज जोड़ गया इसको ना वट यू सी यू सी एन एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर यहां पर एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बना दिखा दिखा बेटा राइट दिस एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज काइज मैटा कायज मैटा इज अ साइटोलॉजिकल प्रूफ साइटोलॉजिकल प्रूफ ऑफ क्रॉसिंग ओवर नया कॉम्बिनेशन बन रहा है इस बात का प्रूफ है कैसे बन रहा है कॉम्बिनेशन कैसे बन रहा है कॉम्बिनेशन जस्ट लुक एट दिस ये मान लो यहां पे एक्सचेंज हो जाता है तो कैपिटल टी कैपिटल ए ठीक है कैपिटल टी यहां से इधर जाएगा बेटा कैपिटल टी स्मॉल ए ठीक दिस स्मॉल टी कैपिटल ए दिस इज स्मॉल टी विथ स्मॉल ए ये दोनों तो एग्जिस्ट करते थे कैपिटल टी के साथ कैपिटल ए तो पहले से ही था है कि नहीं ये इसके साथ था ऑलरेडी ये स्मॉल टी स्म ए के साथ था ऑलरेडी वॉट इज द न्यू कॉम्बिनेशन दैट आई गॉट कैपिटल टी के साथ स्मॉल ए का आना ये नहीं था कभी ये अब आया ठीक है ऐसे ही स्मॉल टी के साथ कैपिटल ए नया कॉम्बिनेशन आया सो दीज आर नोन एज री कॉम्बिनेंट्स कुछ नया बनाना नया कॉम्बिनेशन बना ऐसा नहीं है कि मैं एक की जगह बी ले आई या ए डैश ले आई या ए नॉट ले आई नहीं कैपिटल टी कैपिटल डैश कैपिटल टी नॉट नहीं आया है बट नया कॉम्बिनेशन बना है ठीक सेम थिंग इज हैपनिंग दिस कॉम्बिनेशन इथ सेल्फ इज हैपनिंग इन कौन सा स्टेज काइजमाटा की वजह से हुआ ये होमोलोगस क्रोमोजोम आपकी बॉडी में जो पापा और मम्मी से क्रोमोजोम आए थे जो आपकी पूरी बॉडी के एक एक सेल में बैठे हैं वो आपकी बॉडी के जर्मिनल सेल्स में द सेल्स फॉर मियोसिस वहां पे उनके बीच में एक्सचेंज होगा और एक नया कॉम्बिनेशन बन के आएगा इन द गेमीट ठीक है एक नया कॉम्बिनेशन बन के आएगा इन द गेमीट राइट

ठीक है नाउ अगर कायज मैटा आए है तो दिखेगा कहां इफ कायज मैटा इज फॉर्म्ड योर इट विल बी विजिबल इन डिप्लोटीन कायज मैटा विजिबल और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज क्यों विजिबिलिटी आई द रीजन फॉर विजिबिलिटी ऑफ कायज मैटा देखो बेटा ये ऐसे था ठीक है क्रॉस ओवर क्रॉस ओवर ऐसे हो क्या आपको दिख नहीं रहा है कहां क्रॉस है क्योंकि मेरे हाथ दोनों चिपके हुए हैं साथ में जिस पॉइंट पे क्रॉस है मान लो रिस्ट पे क्रॉस है ठीक है तो ये जो क्रॉस हमारे पास बना हुआ यू आर नॉट एबल टू सी इट प्रॉपरली क्योंकि दिख ही नहीं रहा बिकॉज इतना ज्यादा चिपका हुआ है हाथ क्रोमोसोम सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन हम साइनाप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिजोल्व कराएंगे ठीक है हर उस पॉइंट से जहां क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रखी है

सोल्यूशन ऑफ साइनाप टू नीमल कॉम्प्लेक्स सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिप्लोटीन ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिप्लोटीन तो अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है पागल हो गए हो तुम लोग अपने ही गेमिंग से खुद बन जाओगे तुम कैसे बने हो पापा का गेमीट मम्मी की गेमीट फ्यूज टूगेदर टू फॉर्म आई गॉट लीडिंग टू यू बी हियर अपन अपना ही बना दिया है साइंस अपने गेमीट से खुद बन जाओगे भाई मत बनाओ डायग्राम कीर्तन में आयो तालियां बजाओ बैठ गए जय 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 क्या कर रहे हो फिर अगर डायग्राम नहीं बना रहे तो जाके एक वीडियो देख लेते हैं यूट्यूब पे कहीं गजब सवाल मतलब गजब सवाल आप देखो डिप्लोटीन फीमेल में और यूजुअली सम वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स यू फाइंड अ वेरी प्रोलॉन्ग्ड प्रोलॉन्ग्ड डिप्लोटीन इज नोन एज डिक्टियोटीन ये कैसे होता है वेन गर्ल चाइल्ड इज बॉर्न बिल्कुल छोटा बेबी गर्ल इज बॉर्न ठीक है उनमें पूरा ओवरी डेवलपमेंट हो चुका होता है ठीक है ओवरी का सारा डेवलपमेंट हो गया जितने भी फ्यूचर एग हैं जितने भी फ्यूचर गेमीट्स हैं ठीक है उनका एक सेल होगा वन सेल दैट विल फॉर्म द गेमीट्स इन फ्यूचर ये गेमेट यहां बैठा है और इस गेमिट ने बोला कि आधा काम करके देते तो बिफोर शी इज बॉर्न जितने भी सेल ऐसे हैं जो आगे जाके गेमीट बनाएंगे वो सेल्स सारे चलते हैं ला 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 और ये सारा काम कर चुके होते हैं लेप्टोटीन जयोटी पैकेटीन डिप्लोटीन में आके बैठ जाते हैं व्हेन शी इज बॉर्न एवरी सेल दैट विल बी अ फ्यूचर एग सेल इज ऑलरेडी इन डिप्लोटीन स्टेज ठीक है डिप्लोटीन में बैठा है एट बर्थ वो डिप्लोटीन पे था ठीक प्यूबर्टी पे फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल द फर्स्ट एग दैट इज रिलीज फर्स्ट एग दैट इज रिलीज वो ऑलमोस्ट बारह साल या चौदह साल तक डिप्लोटीन में ही बैठा रहा वेटिंग फॉर प्यूबर्टी सो नियरली ठीक है ये तो पहला सेल था जो बेचारा सबसे पहले निकल गया फर्स्ट रोल नंबर रोल नंबर वन लास्ट रोल नंबर का सोचो क्या होगा एक्ट टू बी रिलीज एड मेनोपोज जब मैं साइकिल बंद हो रहा है वो वाला सेल तो डिप्लोटीन में ऑलमोस्ट चालीस साल तक बैठा था 40, 45 years तक बैठा था मेरा नंबर आएगा फिर मैं रिज्यूम करूंगा इसके आगे का साइकिल इसके आगे का प्रोसेस वो तो बैठा ही रह गया तो सच प्रोलोंग डिप्लोटीन जो वीक्स मंथस इयर्स तक प्रोलोंग हो सकता है दैट इज नोन एज डिक्टीन अ प्रोलोंग्ड डिप्लोटीन इज नोन एज डिक्टीन ये स्टेज प्रोफेज का सबसे लंबा स्टेज हो सकता है एंड हेंस मेकिंग द होल प्रोफेज वन द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस ठीक है ठीक है लास्ट कमिंग टू डाइकाइनिस हम एंड पे आ चुके हैं तो इसका मतलब कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स और सबसे मस्त बात टर्मनलाइजेशन ऑफ कायजमाता काइज मैटर का टर्मिनलाइजेशन होने वाला है क्या होता है टर्मिनलाइजेशन ऐसे थे हम साइड बाय साइड फिर हम ओवरलैप कर दिए चिपके हुए थे डिसोल्यूशन ऑफ साइनाप्टोनिमल की वजह से मुझे काइज मैटा प्रॉपरली दिख रहा है लेकिन हम ये चीज भूल रहे हैं कि पूरे प्रोसेस में मियोसिस में प्रोफेज वन के स्टार्टिंग टू एंड तक माइक्रोमोजोम वाज कंडेंसिंग तो अगर ये हाथ अपने आप सिकुड़ते जा रहे हैं तो ये जो एग शेप स्ट्रक्चर है ये अपने आप कॉर्नर्स पे नहीं पहुंचेगा इमेजिन समथिंग लाइक दिस इट इज अक्रॉस यूर इट विल जस्ट कंडेंस 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 कंडेन्सेंसेंस काइज मैटर धीरे धीरे कॉर्नर्स को खिसक रहा है क्यों क्योंकि आपका क्रोमोसोम छोटा होता जा रहा है इट इज कंट्रेक्टिंग इट इज कंडेंसिंग एंड हेंस द काज मैटर इज मूविंग टू द टॉप और यू कैन से टर्मिनल एंड इज ओनस की डायकाइनस हो चुका है और नाउ वी है नेक्स्ट फेज ऑफ मियोसिस दैट इज प्रोफेस के बाद वाला फेज मेटाफेज वन क्लियर बोर्ड पे जो है लिख लिया मुझे कैसे पता चला जब तुमने मेरा चैट स्पैम किया है ना जब तुमने मेरा चार्ट एकदम स्पैम किया तो मैं इस इन्फुरेंस पे है कि ये पहले से घोचू है तो कायज मैटर इधर दिखता है इसका मतलब पहले बन गया होगा समझे बात पेपर में फेल हो गए तो इससे हमने ये इंफ्रेंस निकाला कि पहले नहीं पढ़ा होगा पेपर में टॉप मारा पेपर में टॉप मारा तो मुझे अब पता चला कि पहले पढ़ाई करी होगी है ना तो इसलिए इधर होता है इधर दिखता है इधर होता है इधर दिखता है गजब बच्चे। चलो, मेटाफेज वन इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम मेटाफेज ऑफ माइटोसिस तो अगर जो बच्चे कंफ्यूज हैं थोड़ा है ना कल माइटोसिस ज्वाइन किया था क्लास उसके लिए उसके नोट सामने रख लेना बेटा थोड़ा फ्लिप करते रहना वेन यू लुक एट मेटाफेज इफ यू रिमेंबर मेटाफेज मेटाफेज वाज द मोस्ट परफेक्ट स्टेज टू स्टडी मोरफॉलोजी ऑफ द क्रोमोसोम क्यों साइज एकदम कंडेंस्ड होगा क्रोमोसोम का मैक्सिमली कंडेंस्ड क्रोमोजोम मैक्सिमली कंडेंस्ड क्रोमोजोम ठीक है एंड बेस्ट स्टेज टू स्टडी मोरफॉलोजी ऑफ क्रोमोजोम चलो अब मस्त मजेदार बात ये हुई है कि मेरा क्रोमोजोम बेचारा एक टांग का रिप्लेसमेंट कर दिया था हमने दूसरे की टांग से वो कुछ ऐसे है कंटिन्यूस फाइबर्स फाइबर्स ये जो क्रोमोसोम्स को अटैच है दीज आर नोन ट्रैक्शन फाइबर पॉइंट टू बी नोटेड के लिखे मैंने अभी तक. लेकिन सबसे अलग बात है कि mitosis के टाइम पे chromosomes के दोनों को spindle attached था. दोनों था. था. तरफ आ रहा था. इस बार सिर्फ एक काइनेटोकोर को स्पिंडल अटैच है क्रोमोजोम्स अटैच टू स्पिंडल वाया वन टू कोर पॉइंट नंबर टू टू मेडाफेजिक प्लेट्स आर टू मेडाफेजिक प्लेट्स आर फॉर्म्ड देखिए आपको वहां क्या था 46 सिक्स क्रोमोसोम्स है तो एक ही मेडाफेजिक प्लेट पे 46 सिक्स क्रोमोसोम्स अलाइन थे यहां पे There are two metaphasic plates formed, 1 to 23 upper 1 to 23 niche wale pe. 1 to 23 upper 1 to 23 niche wale pe. Forming two metaphasic plates. These are the two important points that is different for, from normal mitosis. From normal mitosis. Samjhe, agla point. Anaphase. Anaphase 1. Of meiosis one chromosomes moving to the opposite poles, different points. पूरे पूरे मेटा दोनों पोल्स की तरफ मूव कर रहे देर इज नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर सेंट्रोमियर की कोई स्प्लिटिंग नहीं हुई यहां पे है यहां पे है शेप पढ़ सकते हो आप क्रोमोजोम की लेकिन सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं किया सेंट्रोमेयर स्प्लिट नहीं किया प्रॉपर प्रॉपर क्रोमोजोम ऊपर और नीचे चल दिए ठीक है में इज नो नो इंक्रीज इन यू हैव इंटरजोनल फाइबर्स क्योंकि जब सेंट्रोमेयर स्प्लिट किया तो नो इंटरजोनल फाइबर्स इंटरजोनल फाइबर्स क्या होते हैं जो सेंट्रोमेयर के स्प्लिटिंग के टाइम पे आते हैं जब सेंट्रोमियर ने स्प्लिट किया तो कई का इंटरजोनल फाइबर वो भी नहीं बना सिर्फ ट्रैक्शन फाइबर ने ऊपर खींच लिया नीचे खींच लिया पोल्ड टू दी ऑपोजिट पोल्स सिंपल फेज में सिर्फ इतना टीलोफेजेज वन टीलो फेज वन में वापस से मेरे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स वही जो हमेशा टीलो फेज में होता है साइटोकाइनेसिस की तैयारी हो चुकी है ठीक है ध्यान से अंदर देखोगे वैसे तो डीकंडेंस हो गया भाई आ ऑपोजिट पोल्स पे इट हैज डी कंडेन्स्ड बट इफ यू झांको इनसाइड, साइड झांको इन यू विल सी क्रोमोजोम इन दिस कंडीशन क्रोमैटन मटीरियल डीकंडेन्सिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस सेल ऑर्गेनली रीअपियर डिकंडसेशन होगा पर कर, मगर सेल जानता है गड़बड़ है देख रहे हो सेल जानता है गड़ है गड़बड़ एक क्रोमोजोम दो क्रोमैटेड का नहीं होना चाहिए हो भी जाए तो ये बीच में से डिवाइड कर जाएगा एक सेल ऊपर एक सेल नीचे बन जाएगा cytokinesis के बाद बट आई नो दैट a इज अ प्रॉब्लम nucleus एक क्रोमोजोम एक क्रोमेटेड का होना चाहिए यहाँ दो क्रोमैटेड का बैठा है I I have to to go for another division, and that means I will move to meiosis to meiosis turant. तो पकड़ सकता हूँ ना वहां कंडेशन अभी भी रख लेते हैं क्योंकि डिवाइड तो मुझे तुरंत करना ही है तो टीलो फेज में अगर डिफरेंस पूछ लिया जाए टीलो फेज इज स्टिल क्रोमोजोम्स ऑफ टीलो condensed, less स्ड लेकंड कंपेर टू माइटोसिस बिंदास खुल गया पूरा. ये बोला नहीं नहीं यार दोबारा बांधना पड़ेगा तो उतने ही डब्बे खोलते हैं जितने काम के हैं वरना छोड़ो ठीक है वी मूव टू इंटरकाइनसिस इंटरकाइनसिस में नो डीएनएड एप्लीकेशन नो सेंट्रल डुप्लीकेशन बाकी पूरा इंटरफेस सेम होने वाला है मूविंग टू डिरेक्टली मियोसिस टू ठीक है मियोसिस टू प्रोफेज बेटा मैं ना इस वाले को लेके जा रही हूं ऊपर वाले को जो इसके साथ होगा वही नीचे वाले के साथ भी होगा जो इसके साथ हो रहा है वो इसके साथ भी हो रहा है साइमल्टेनियसली सेम चीज को दो दो बार ड्रॉ करके आप अपनी नोटबुक में भी कंफ्यूज करोगे वन सेल वी आर गोइंग विद क्रोमाटिन मटेरियल ये आपका सेल है ठीक है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वही पुरानी कहानी प्रोफेस की वही पुरानी कहानी प्रोफेस की क्रोमाटिन मटेरियल स्टार्ट्स कंडेंसिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनली डिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन Nucleolus Cell Organelles disappear. Chromatin material condenses. Moving to मेटाफेस टू मेटाफेस टू आप सोच के देखो मेटाफेज टू पर ट्रांसिट कर गए मेटाफेज टू मैक्सिमली कंडेंसड क्रोमोजोम बेस्ट एज टू स्टडी मोरफॉलोजी लेकिन डिफरेंस क्या सेंट्रल ऑपोजिट पोल्स पे पहुंच गए कंटिन्यूस फाइबर बन गए नाउ दिस इज क्वाइट सिमिलर टू नॉर्मल माइटोसिस माइटोसिस के मेटाफेज में एक मेटाफेजिक प्लेट बनती थी यहां भी वन मेटाफेजिक प्लेट फॉर्म वन मेटाफेजिक प्लेट दिस इज अ पॉइंट सिमिलर टू माइटोसिस टू स्पिंडल या स्पिंडल्स अटैच्ड To both काइंड the second point that matches with mitosis metaphase of mitosis yaad aaya याद आया ठीक है भाई साहब अपना ये चल रहा है समझ आया सो देर आर टू पॉइंट सिमिलर टू लेकिन डिफरेंस क्या है डिफरेंस ये है कि जो ये प्रोफेस टू शुरू हुआ मेटाफेस टू शुरू हुआ मियोसिस टू शुरू हुआ इससे पहले का जो इंटरफेस था उसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हुआ था माइटोसिस में हमेशा पहले डीएनए रेप्लिकेशन होगा और फिर सेल डिवाइड करता है जबकि मियोसिस टू मियोसिस टू में देर वॉज मियोसिस टू स्टार्टेड विदाउट एनी डीएनए एन सेल डिवाइड दो बार करता है लेकिन डीएनए सिर्फ एक बार रेप्लीकेट होता है पूरे मियोसिस में डीएनए रेप्लीकेशन टेक्स प्लेस वंस बट टेक्स प्लेस ट्वाइस तभी प्लॉइडी आधी हो पा रही है तभी प्लॉडी हाफ हो पा रही है नहीं तो सेम रह जाएगी ना अगर मैं दो बार रेप्लीकेट करूँ और दो बार डिवाइड करूँ तो सेम रह जाएगी प्लॉइडी आई हैव टू रिड्यूस इट हाफ देन एन अ फेज थर्ड फेज ऑफ मियोसिस लिख दू सामने एन टू सी एक सेल के साथ हो रहा है दूसरे वाले के साथ भी यही हो रहा होगा एन टू सी आप देखो ये कंटिन्यूस सेंट्रोमियर स्प्लिट्स सेंट्रोमियर अगर स्प्लिट किया तो इंटरजोनल फाइबर बनेगा वो इलास्टिक बैंड जैसा जो बैंड की तरह पट करके टूटता है तो so ये पुश कर देगा दोनों क्रोमोजोम्स को ऑपोजिट एंड पे और ट्रैक्शन फाइबर्स इसको खींच लेंगे सो द पॉइंट दैट आर डिफरेंट हेयर आप पॉइंट नंबर वन सेंट्रोमियर स्प्लिट्स इंटरजोनल फाइबर्स विजिबल प्रेजेंट विजिबल भी मत लिखो क्योंकि फाइबर दिखेगा नहीं आपसे, प्रेजेंट आप देखो कहाँ हमने डीएनए रेप्लिकेट किया था आपने यहाँ डीएनए रेप्लिकेट किया था इंटरफेस के इधर एक क्रोमोजोम दो क्रोमाटेड का दो क्रोमाटेड का दो क्रोमाटेड का दो क्रोमाटेड दो क्रोमाटेड दो क्रोमाटेड दो क्रोमाटेड यहां जाके कहीं ईच क्रोमोजोम इज ऑफ अ सिंगल क्रोमाटेड नाउ तो सोच रहे हो कब से वो डिपो दो, दो क्रोमाटेड लिए फिर राधा बेचारा एक ही सेंट्रोमियर पे अब जाके ये स्प्लिट हुआ और दो सेंट्रोमियर अलग अलग हुए नाउ एनी अ सिंगल क्रोमोजोम सिंगल क्रोमाटेड इसको देखोगे प्लॉइडी एनसी इसको देखोगे प्लॉइडी एनसी तो फॉर अ मोमेंट फॉर अ मोमेंट आपके पास पूरे सेल की प्लॉइडी पहुंचेगी क्योंकि सेल तो डिवाइड नहीं किया लेकिन स्प्लिट कर गया। यहाँ इनको गेमिट नहीं समझ में आ रहा बेटा लिंकेज मत लाओ यहाँ ठीक है जिस चीज का डाउट हो वहां पूछो प्लीज। जेनेटिक्स का डाउट जेनेटिक्स में पूछ लेना यहाँ मम्मी पापा के गेमिट से हम कैसे बन रहे हैं कंफ्यूजन है मेल के मीट फीमेल के मीट अलग क्यों बन रहा है ये कंफ्यूजन है तो जब बख्श दो मुझे थोड़ा ठीक है ओके सो फॉर मोमेंट यहां पे प्लॉइडी इंक्रीज कर दी ठीक लास्ट में आपके पास आएगा फोर्थ इन दैट इज टीलोफेस टीलो

डीकंडेन्सड क्रोमाटे रीअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्रेन प्लस न्यूक्लियोल प्लस सेल ऑर्गेनिस

अल्टीमेटली कहानी क्या है कि मैंने प्लॉइडी कर दी हाफ अब एनसीआरटी में सिग्निफिकेंस ऑफ वाले में एक लाइन दिया है पैराडॉक्सिकली पैराडॉक्सिकली वर्ड का मतलब होता है ठीक है जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन प्लॉइडी सेम रहे इसके लिए मैं ऐसा डिवीजन करा रही हूं जो प्लॉइडी आधा कर देता है इट इज अ रिडक्शनल डिवीजन एंड येट द प्लॉयडी रिमेन सेम क्यों? ऐसा क्या हो रहा है देखो बेटा आपके पास पापा डिप्लॉइड ठीक है मम्मी डिप्लॉइड अगर इनकी बॉडी का नॉर्मल कोई सेल नॉर्मल कोई सेल गमीट जैसे एक्ट करेगा और फ्यूज कर जाएगा तो आप बनोगे ठीक है और हो सकता है चार हाथ चार टांग वाला इंसान ठीक है दिस इज गोइंग टू गो रॉन्ग नाउ दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग दिस कैन नॉट हैपन ऐसे तो हम पता नहीं कितने हो जाते अब तक हमारी जनरेशन पे जनरेशन पे जनरेशन चलती तो ऐसी तो इसीलिए व्हाट इज गोइंग टू है इज डिप्लॉइड एंड मम्मी इज डिप्लॉइड ठीक है तो इनकी बॉडी का कोई सेल टू एन से मियोस करा के होगा टू फॉर्म एग एंड टू फॉल फॉर्म स्प मेल के मीट ंग टू फर्टिलाइज टू फॉर्म अ डिप्लॉइडोट एंड देन डिप्लॉइड यू अगेन दिस इज करेक्ट दिस इज करेक्ट ऐसा डिविजन कराना पड़ रहा है जिससे प्लॉइडी आधी हो ताकि जनरेशन आफ्टर जेनरेशन प्लॉइडी मेंटेन रहे तो सुनने में अजीब दिख रहा है ना बस राइट सो ये है फंडा मियोसिस का हमने तो हमने प्लांट किंगडम पढ़ा, पढ़ा तो था स्पोर बनाने के लिए होता है, स्पोरिक बोलते हैं। में करा दोगे जाइगोटिक मियोसिस कहलाएगा यमित बनाने के लिए मियोसिस करा रहे हो गमीटिक मियोसिस थ्री पॉइंट्स हियर स्पोरिक मियोसिस टू फम स्पोर्स ज्यादातर आपको फंगस में मिलता है देखे जाइगोटिक मियोसिस मियोसिस इन जाइगोट गेमीटिक टू फॉर्म टू फॉर्म गेमिट्स ठीक है जाइगोटिक मेयोसिस आपको एल्गी में दिखेगा स्पोरिक मेयोसिस आपको फंगस में मिलेगा प्लांट्स में भी हाईर प्लांट्स वगैरह में भी आपको ये मिलता है गेमिटिक म्योसिस समथिंग दैट यू फाइंड इन एनिम्स ठीक है दिस कम्प्लीट्स द चैप्टर एक बार रिवाइज कर लेना नौ बजे आज क्लास है एंड इफ यू लाइक माय सेशंस यू कैन आल्सो सब्सक्राइब टू प्लस जिसमें हमारे ज़्यादा इंटरेक्टिव सेशन होते हैं लाइव क्लासेस होती हैं लीडर बोर्ड्स होते हैं इंटर एक्टिव सेशन एंड सबसे इंपॉर्टेंट डाउट क्लियरिंग ये सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी आपको प्लस आइकॉनिक में यू आर गोइंग टू गेट डाउट सॉल्विंग प्लस एक अलग से स्पेशल मेंटोर मिलता है आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में जिसमें आप अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हो टाइम स्लॉट चूज कर सकते हो और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो जैसे संडे को इफ यू डिसाइड संडे इवनिंग मुझे डाउट्स पूछने हैं तो आपके लिए एटलीस्ट एक टारगेट मिल जाएगा यू आर गोइंग टू एक्चुअली वर्क थ्रू आउट द वीक कि मुझे फिजिक्स के 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 इस चैप्टर चैप्टर वर्क एनर्जी क्वेश्चन पूछने हैं तो एक हफ्ते में आपने वो पूरा कंप्लीट किया संडे को उसके क्वेश्चंस पूछ लिए तो पहले से स्केड्यूल कर दो ये आपके पीछे एक डंडे जैसा हो जाएगा कि आपको एकदम से बस चलो काम करना है तुमको वो वाला काम कराएगा ठीक है यू कैन यूज द कोड कॉमन लाइफ फॉर आईदर ऑफ द सब्सक्रिप्शंस चाहे आप प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जाओ चाहे आप आइकॉनिक के लिए जाओ यू कैन यूज द कोड कोमल लाइफ एंड आइकॉनिक में वन ऑन वन डाउट क्लियरिंग है बेटा मेंटोरशिप है जिसमें मैं मेरे साथ एक इंसान और आपके साथ होंगे और आपके घर पे नोट्स भी डिलीवर हो जाएंगे हार्ड कॉपी सो दीज थ्री थिंग्स यूलिंग इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लस में सब कुछ है टाइम टेबल वगैरह अगर आप खुद बना सकते हो तो एब्सोलूटली नो प्रॉब्लम ये है चार साल का कॉम्बो

स्पेशल uh, यूट्यूब पे तो जितने हैं वो है ही प्लस पे और भी एक्स्ट्रा टीचर्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हो किस टीचर से आप कनेक्ट कर सकते हो उनसे देखो पढ़ो एंड देन डिसाइड कि हाँ ये मेरे टीचर्स होंगे एंड देन आई विल गो इन स्टडी ठीक कोड कोमल लाइव अगेन सिमिलरली ये भी एक कोर्स है विच इज अगेन आपके पास इतना ज्यादा बेनिफिट आई डोंट थिंक कोई भी और जगह पर मिलेगा दिस इज ऑलमोस्ट फ्री ऑलमोस्ट फ्री वो एन लाइफ और कुछ नहीं तो डाउट्स के लिए भी अगर आप आ रहे हो ना क्लास में तो आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा बेटर हो सकता है कि ऑनलाइन टीचिंग में आर गेटिंग डाउट क्लियरिंग सेशंस एज वेल एज टीचिंग सेशन एंड एवरी थिंग इन द क्लास फॉर सच 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 एन अमाउंट बट वैलिड फॉर ओनली फर्स्ट फाइव हंड्रेड स्टूडेंट्स और सब्सक्राइबर्स ये चीज़ ध्यान रखना ठीक है जैसे ही वो कंप्लीट होगा ऑफर गोज ऑफ नाउ सत्रह तारीख को अक्टूबर को ग्यारह बजे सब ये भरना है सबको कंपल्सरी है मेरे क्लास में जो बच्चा है मेरा बच्चा इस पेपर को जरूर भरेगा संडे को पेपर है हद इजी मैंने बनाया पेपर अल्ट्रा इजी एग्जामिनेशन दीज इजी एंड डिस्क्रिप्शन में दिया है लिंक होमन लाइव यूज दिस कोड नीचे लिंक दिया हुआ है फ्री सब्सक्रिप्शन है गारंटीड ऑलमोस्ट आपके पास स्कॉलरशिप आ ही जाएगा यू आर गोइंग टू गेट स्कॉलरशिप्स ऑफ वर्थ सेवेंटी फाइव फिफ्टी फिफ्टी फोर्टी परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट मल्टीपल यू नो स्लैब्स है उसके ऑफर के तो कोई ना कोई अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप आपको जरूर मिल जाएगा मेक श्योर दैट यू आर गोइंग फॉर दिस यूज कोमन लाइफ कोड एंड गेट योर सब्सक्रिप्शन जस्ट नेक्स्ट वीक क्योंकि बीस तारीख से शुरू होगा प्लांट फिजियोलॉजी ऑन प्लस तो अगर आप उससे पहले आ जाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है आई एम टेकिंग एनवायरमेंटल इश्यूज एंड माइक्रोब्स फॉर दिस वीक ट्वेल्थ क्लास का सिलेबस कंप्लीट करा कराते ही आई विल स्टार्ट गोइंग टू इलेवेंथ क्लास ठीक है इलेवंथ का फिजियोलॉजी हमारा मेन फोकस हो जाएगा चलिए बेटा दिस ब्रिंग्स एस टू दफ़ द सेशन लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल कोई नोटिफिकेशन मिस नहीं होना चाहिए आज रात की नाइन पी एम वाली क्लास भी कोई मिस नहीं करेगा इट्स अ स्पेशल क्लास इट्स अ फ्री क्लास आपको ऊपर चैटबॉक्स में अभी एक लिंक पिंड दिख रहा होगा उसको आप क्लिक कर सकते हो क्लास में डायरेक्टली पहुँच सकते हो उसी क्लास के लिए आई विल सी यू इन द क्लास स्टे आप ही स्टे आई डिट इट स्टे सेफ